नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल यादव। मैं आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप जानकर चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा फ्रॉड होता है। तो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसा हुआ कि मैंने इंडिया मार्ट से टीवी मंगाई, 44,000 का 6 TV मंगाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया और कंपनी का सब डिटेल दिया और कहा कि मैं इंडिया मार्ट से बोल रहा हूँ और आप, मैंने कहा कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। तो कहा कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, मेरे यहाँ सिस्टम है कि आप 50% कर दीजिए पेमेंट, उसके बाद जब आपके पास सामान आ जाएगा उसको देख के आप 50% कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। इंडिया मार्ट पर मैंने ट्रस्ट किया और उसके द्वारा जो नंबर कॉल आया था मेरे पास कॉल आ रहा था। मैंने इंडिया मार्ट पर पहले मैंने सर्च किया टीवी सर्च करने के बाद इंडिया मार्ट फ़ोन नंबर मांग रहा था बार बार, तो मैंने इंडिया मार्ट को फ़ोन नंबर दे दिया और उसके एक दिन बाद कॉल आने लगा कि आपने इंडिया मार्ट में टीवी सर्च किया है। और उसके बाद वो कई कंपनी फ़ोन आए, मैंने कहा नहीं थे। एक कंपनी फ़ोन आया, उसने बहुत अच्छा अच्छा ऑफर दिया, सस्ते में टीवी दिया। मैंने सोचा आप ले लेते हैं। उसने अपना GST नंबर पूरा दिया, मैं वो आप सबको दिखाऊंगा, उसका रिकॉर्डिंग है। और मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया पैसा 22,000 रुपये। मैंने सोचा मान लेने के बाद फिर 22,000 रुपये दे दूंगा। फिर उसने फ्रॉड शुरू कर दिया। उसने एक ही दिन बाद फ़ोन आया कि आपका कुरियर आ गया है। कुरियर वाला कोई बन के फ़ोन किया और कहा कि आपका वो सामान आ गया है और आपका ट्रांजेक्शन ID आप पेमेंट कर दीजिए और मैं आपको 1 घंटे के अंदर सामान आपके घर पहुंचा दूँगा। मैंने सोचा ठीक है। मैंने कहा काम बोल रहे, मुझे कुछ डाउट लगा कि एक दिन कुरियर मुंबई से गोरखपुर तो आ नहीं सकता। मैंने कुछ पूछा, कह रहे नहीं सर आप भेज दीजिए, आपका कुरियर आ गया है। मैंने सोचा कि 22,000 टूट गया है, देखें ये देखने के बाद शायद आ जाए। और मैंने वो भी पेमेंट कर दिया। मुझे शक होने लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो उसके बाद से मैंने स्क्रीन शॉट और रिकॉर्ड कॉलिंग किया। फिर मैंने इंडिया मार्ट पे भी कॉल किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉड हो सकता है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, मगर हम इंक्वायरी कराते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ इंडिया मार्ट पे मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ। यही है फ्रॉडिया जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। और ये कह रहा था कि मैं इंडिया मार्ट से बोल रहा हूँ, लैंडमार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से, और ये मुंबई में रहता है। यही वो फ्रॉडिया है जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं इसके साथ चैटिंग आपको दिखाता हूँ कि इसने मुझे पहले ये TV का ये भेजा कि आपको ये TV आपको मिलेगा। उसने सारे चित्र भेजे और इसने उसका प्राइस लिस्ट भेजा 24 इंच का 5,200 में, बहुत चीपेस्ट प्राइस था। मुझे लगा कि शायद सैमसंग कंपनी का था। मैंने कहा कि सैमसंग कंपनी का मुझे चाहिए, तो इसने मुझे भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बार बार पूछा कि ये आल TV सैमसंग का है, उसने कहा हाँ हाँ प्राइस है ये है वो है। तो फिर मैंने कहा कि ये सैमसंग कंपनी का है, तो मैंने ऑर्डर दिया 24, 32 और 32 स्मार्ट RS के 2-2 पीस मुझे भेज दीजिए। फिर उसने मुझे कहा ठीक है, तो उसने कहा कि 44,000 आपका अमाउंट आएगा। और फिर उसने अपने कंपनी का डिटेल भेजा, कंपनी का नाम लैंडमार्क इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड था, मुंबई का रहने वाला था, बांडा स्टेशन के पास। फिर उसने अपने अकाउंट नंबर भेजा कि इस अकाउंट नंबर पर आप मुझे भेज दीजिए और मैं आपका जो है आपका यहाँ से डिपैच कर दूंगा, आपके पास पहुँच जाएगा। फिर मैंने उसको ये देखिए, मैंने उसको ये पैसा ट्रांसफ़र किया, पहले 20,000 ट्रांसफ़र किया और फिर इसके बाद मैंने 22,000 इसको एक दिन में ट्रांसफ़र किया, ठीक है 11 सितंबर को। फिर उसके बाद उसने चेक कहा ठीक है, फिर मैंने इसको किया, फिर उसने कहा ठीक है ओके सर। फिर उसने दोबारा कॉल किया 12 सितंबर को, कहा उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग।
मैंने कहा कि आपका आ गया है कुरियर में। फिर एक ही दिन में देखिए, मैंने 11 तारीख को चार बजे किया और उसने सुबह 9:06 उसने कहा कि आपका कुरियर आ गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक दिन में कैसे कुरियर आ गया। फिर उसने बैंक डिटेल भेजा कि ये इस पर भेज दीजिए, ये शायद सिंगापुर का बैंक डिटेल है, आपको अगर कोई कॉल आए ऐसे कोई करे तो आप मत करिएगा, आप फंस सकते हैं। फिर मैंने कहा कि अरे, कहा था कि आपके जैसे पेमेंट करें आपके 2 घंटे के अंदर आपको बिल मिल जाएगा। फिर मैंने इसको 2000 फिर पेमेंट किया, फिर इसको 20,000 किया, कुल 44,000 मैंने इसको पेमेंट किया। फिर उसके बाद से कह रहा है आपका आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि कहाँ है आपका कुरियर, मैं ये 1 बजे कहा था और मैंने इंतज़ार करते करते 6 बज गया, मैंने कहा कहाँ है आपका कुरियर, मेरे पास नहीं पहुँचा। तो उसने कहा कि मैं अभी ऑफिस बंद हो गया। फिर मैंने 7 बजे कहा कि मुझे लगा कि ये फ्रॉड है, फिर मैंने इसको कहा कि मेरा मनी वापस कर दीजिए। फिर वो फिर उसके बाद से फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके 10 बजे खोला, फिर उसने मैं भेजता रहा कॉल करो रिसीव करो, कोई कॉल रिसीव नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर कुछ शाम तक होते होते फिर शाम को उसने कहा कि ठीक है, शाम को उसने रिप्लाई दिया, कहा ठीक है मैं आपको पैसा भेज दूंगा, अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। तो मैंने अपना अकाउंट नंबर भेजा है और अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप फंस सकते हैं, इंडिया मार्ट से कोई कॉल आए या आपने कुछ सर्च किया है, आपने इंडिया मार्ट पे कोई अपना नंबर डाल दिया है तो उस पर फ़ोन आए कि मैं इस कंपनी फलाना ढिकाना कंपनी से बोल रहा हूँ और आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको भेज दूँगा 50% पैसा मिलने के बाद मैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट भेज दूँगा 50% और पूरा पैसा दे देंगे तो आपके घर पहुँच जाएगा। तो ऐसा फ्रॉड कॉल में मत पड़िएगा, इंडिया मार्ट में बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके साथ ये धोखाधड़ी ना हो पाए और इंडिया मार्ट से सावधान रहिए। और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। कस्टमर केयर एट द रेट indiamart.com सर। indiamart.com ठीक है सर। ठीक है, इस पे आप अपना जो भी ट्रांजैक्शन अमाउंट हुआ है, जो भी हुआ है आपका, वो एक बार आप इसके लिए सब। हाँ सर, जो भी आपका आपने कब पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे और क्या आपका था, वो इस पे आप लिख के भेज दीजिए। ठीक है सर, जो कंसर्न टीम होगी वो आपको खुद ही कॉल कर लेगी और फिर आप उनको बता दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने जो नंबर बताया था ना, और इधर से सर मैं भी इशू रेज कर दे रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है सर, तो आपको कंसर्न टीम खुद ही कॉल कर लेगा। ठीक है, और इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ सर मैं आपकी? और सर एक चीज और, गोपाल जी मैं आपको एक बात बताऊंगी, आगे से ना आइंदा कोई अगर आपको ऐसे कॉल करे ना कि मैं इंडिया मार्ट से बोल रहा हूँ, ठीक है सर, पहले आप ना कंफर्म कर लिया कर रही है। ठीक है, ऐसे ना आपका ही लॉस होगा। ठीक है, एल्स आप एक काम कर सकते हैं, आपको टोल फ्री नंबर इंडिया मार्ट का मिल चुका है, कुछ भी आपको खरीदना हो ना आप सीधा हमें कॉल करिए, कस्टमर केयर से कॉल करिए, हम आपको वेरीफाइड कस्टमर देंगे। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है सर, ठीक है, आप वो डिटेल आप भेज दीजिए, मेल कर दीजिए, आपको कंसल्टेंट कॉल कर लेगी 24 घंटे के अंदर। ठीक है सर, ओके ओके सर, इंडिया मार्ट में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो।